Welcome back to my channel. Basically, Felicia, if you're new to my channel, then do like, share and subscribe and please press the bell icon so that you will be notified each and every single time I'll be online. और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़. आप लोग में से बहुत सारे लोग हैं जो कि ऑनलाइन टीचिंग करना चाहते हैं और कई बार मुझसे बोलते हैं कि जब आप ऑनलाइन टीचिंग करते हो तो वो इक्विपमेंट्स क्या क्या आप यूज़ करते हो, आप कहाँ शूट करते हो. तो जनरली पहले क्या होता था कि मैं शुरू में ऊपर शूट करती थी अपने लिविंग रूम में, लेकिन आजकल मुझे ऐसा लग रहा है बहुत हल्ला होने लग गया है एंड उसके कारण से लोगों को भगाना पड़ता था कि लिविंग रूम से निकल जाओ आप लोग, तो काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता था. तो मैंने अपना खुद का स्टूडियो टाइप्स sort of studio types बनवा लिया है. So yes, चलो देखते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें लगती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो मैं एक एक करके रेट्स वगैरह सब चीज़ बताऊंगी ताकि हो सकता है कि आप लोग को लगे तो आप वो सब चीज़ ले सकते हो. Yes. Alright. So सबसे पहले जिसकी ज़रूरत पड़ती है दैट इज द ग्रीन स्क्रीन. ठीक है, तो ये जो ग्रीन स्क्रीन है दैट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. तो ये मैंने लिया है एंड इट कॉस्ट अराउंड 2600. ठीक है, 2600 का ऑलमोस्ट जो है वो कॉस्ट पड़ता है इसका. इसके सामने आप खड़े होके वीडियोस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं और ये जो बैकग्राउंड है ये चेंज हो सकता है, आपको ब्लू, रेड, ऑरेंज, पर्पल जो करना है, मतलब ये चेंज नहीं होगा. फोन के थ्रू जब एडिट करोगे तब आप इसको चेंज कर सकते हो. तो या दिस इज समथिंग व्हिच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. थोड़ा प्रेजेंटेबल लगता है, पहले क्या होता था ना प्रेजेंटेबल उतना नहीं लगता था, अब ज्यादा वीडियोस प्रेजेंटेबल लगते हैं. तो या दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. फिर ये वाला जो चीज है दिस इज द रिंग लाइट. ओके, ये जो रिंग लाइट है ये बहुत ज्यादा जरूरी है. आप इसको ऊपर से नीचे दिखा दो. तो यस, दैट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. इसको मैं ऑन करके दिखाती हूँ. तो वन सेकेंड, तो ये हम ऑन कर सकते हैं, ये अलग, फिर ऑफ कर सकते हैं, फिर ये अलग अलग कलर्स में चेंज हो जाता है. ऐसा कलर हो जाएगा, फिर ऐसा, अलग अलग कलर्स में ये चेंज हो सकता है. ठीक, फिर इसको मैं, आप थोड़ा कलर्स इसको बढ़ा भी सकते हो लाइट को हाई करना है तो. अगर आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा रोशनी छुप रही है देन यू कैन इसको आप लो कर सकते हो. सो व्हाटएवर यू कैन डू, तो इसको आप ऑफ कर देते हैं. ओके, दिस इज क्वाइट गुड, काफ़ी प्रेजेंटेबल लगता है वीडियो. फिर यस, ये वाला जो चीज है दैट इज व्हाइट बोर्ड. वन सेकेंड, हाँ, तो ये व्हाइट बोर्ड वाला चीज है, ये वाला चीज दैट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. ठीक है, व्हाइट बोर्ड दिखा रहा है. ओके, तो ये व्हाइट बोर्ड बहुत जरूरी है. इसमें भी आप लोग करके वीडियोस बना सकते हो. वैसे मैं इसमें अपना वीडियोस वगैरह नहीं बनाती, जो डेली के मेरे टारगेट्स होते हैं, महीने के टारगेट्स होते हैं, कितना मुझे कोर्स कंप्लीट करना है, बिकॉज आई ऑल्सो वर्क फॉर अन अकेडमी प्लस, तो मुझे ये सब चीज करनी पड़ती है. नाउ मैं अपनी प्रेजेंटेशन किस पे बनाती हूँ. शुरुआत में प्रेजेंटेशन पेपर्स पे बनाती थी, फिर उसे स्कैन कर लेती थी और उसके बाद वॉइस ओवर कर देती थी. लेकिन अब जैसे कि थोड़ा सा आपको अपग्रेड करना पड़ता है, तो आई हैव अ लैपटॉप और इस लैपटॉप की कीमत आई थी मेरे पास 60,000 अप्रॉक्स. क्योंकि ये लैपटॉप थोड़ा महंगा मुझे इसलिए पड़ा बिकॉज दिस इज अ टच स्क्रीन लैपटॉप. ओके, तो आप इसको इससे टच करके चीज़ों को कर सकते हो एंड दिस इज समवॉट पोर्टेबल. तो ये आपका पूरा इस तरीके से टेढ़ा हो जाता है, ये कुछ ऐसा टैब जैसा भी बन सकता है. ठीक है, तो दैट इज क्वाइट गुड. ओ माय गॉड, मेरा लैपटॉप मुझे लगा टूट गया. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लैपटॉप. ठीक है, हाँ, अब इसके साथ जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी दैट इज माउस. ये यार, ये इसका कॉस्ट कितना था? 500. ठीक है, तो ये अच्छा है, काफी वायरलेस है एंड काफी मजेदार है. इसको ऐसे टच करें और उसके बाद जो भी चीजें हैं आप यूज करना चालू कर सकते हैं. फाइन, तो ये जरूरी है. फिर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये कीबोर्ड होना भी जरूरी है, बिकॉज देखो आपका लैपटॉप है उसका चीज कभी भी खराब हो जाएगा, लैपटॉप का कीबोर्ड. तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट टू हैव अ कीबोर्ड ऑल्सो. तो ये मैंने अभी अभी लिया है, इसको मैं यूज करना चालू नहीं करी हूँ. ओके, तो ये कुछ से ओपन नहीं हो रहा है. जो यार अनबॉक्सिंग के वीडियोज, ये काफी अच्छा है, मतलब लाइक दिस इज अ क्वाइट गुड कीबोर्ड, काफी मजेदार है और ये कलरफुल है. लाइक इसमें पूरे कलर जलने लग जाते हैं. हाँ, गेमिंग कीबोर्ड है. अच्छा, गेमिंग कीबोर्ड है. ओके, और इसमें कलर्स वगैरह जलने लग जाते हैं तो काफी अच्छा अच्छा दिखता है ये. ओके, तो मैं अब ये यूज करना चालू करने वाली हूँ. ये मैं 2-3 दिन पहले ही ली हूँ तो एज सच मैंने इसको अभी यूज करना चालू नहीं किया. हाँ,
और ये चीज तो भाई क्या कहने, दिस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. वाई? क्योंकि देखो इसमें है आपके पास कुछ ऐसा, आपको इस पे आप बोलो, ठीक है, इसमें आपको चीजें सुनाई देगी. आपके बगल में कोई कितना भी चिल्लाए, बगल से गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, कुछ भी हो. क्योंकि मेरे साथ ऐसा सिचुएशन होता था कि घर से बाहर ये वाली चीजें होते हैं, आवाज आती रहती है, और प्लस मेरी क्लासेस रहती थी सुबह 8:30 से 10 तक, और वही टाइमिंग होता था जब वो इंसान आता था. कुछ भी गाड़ी आ रही है, स्कूल बस आ रही है, व्हाटएवर, तो मैं ये यूज करती हूँ, तो जिसके कारण से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है. और इसका कॉस्ट मेरे ख्याल से, इसका कॉस्ट तेरे को याद है? 1600 इसका कॉस्ट था. तो हाँ, दैट इज ऑल्सो गुड. अच्छा, अब मैं एक चीज पहले बता देती हूँ, ये सब आप शुरुआत में इतना खर्चा नहीं कर रहे हैं, ओके? मुझे थोड़ा ज्यादा साल हो गया है ये सब करते करते. शुरू में मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट जीरो आता था, मतलब जीरो वॉज द प्रोडक्शन कॉस्ट. मैं सिर्फ अपने फोन से शूट करती थी, उसी में एडिट करती थी, उसी में सब चीज हो जाता था. ना मैं माइक यूज करती थी, ये सब चीज बहुत ही रीसेंट वाली चीज है जो मैं यूज करती हूँ. सो यस, दिस वाज द फोन पहले. ये एक MI का, आई डोंट नो इसका मैं कब खरीदी, ये क्या था फोन, मेरे को कुछ याद नहीं है. लेकिन यार ये मेरे को पड़ा था उस समय 12,000 का, कुछ 12,000-13,000 का. और इसमें सारा काम मेरा लगभग हो जाता था, क्लैरिटी ठीक थी और वीडियो अच्छे से स्कैन हो जाते थे, फिर मैं डाल देती थी. तो या इसने काफी पैसे कमा के दिए मुझे, अ लॉट ऑफ मनी. उसके बाद मैंने ले लिया था आईफोन X, और उसके बाद मैंने चेंज नहीं किया, 11 नहीं लिया, 12 नहीं लिया, 10, और उसके बाद मैं इसको भी अपने भाई को दे दी, और जिससे शूट हो रहा है दैट इज आईफोन 8 प्लस, ठीक है. तो मैं कोई कैमरा यूज नहीं करती क्योंकि मैं कैमरा से उतनी कंफर्टेबल नहीं हूँ. और नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है यार कैमरा का फिर फाइल को ट्रांसफर करके डालो आप लैपटॉप में, उससे अच्छा फोन से सारा काम लगभग हो जाता है. और फोन की कैमरा भी बहुत अच्छे हैं अगर आप लोग आईफोन यूज कर रहे हो तो. तो बाकी यस, दिस इज समथिंग विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. ये मेरा शेड्यूल, ये मेरी डायरीज, ये रहा एक गोरिल्ला पॉड. गोरिल्ला पॉड से मैं अपने ब्लॉग शूट करती हूँ, या फिर कुछ ऐसे वीडियोस टेढ़े करके जिसमें मुझे लिख के दिखाना होता है, तो वो सारी चीजें गोरिल्ला पॉड से यूज होती है. एंड इसका कॉस्ट बहुत सस्ता था, मैंने लिया था IRS ये 300 रुपए में. तो दैट इज, यस दैट इज ऑल्सो एक्सट्रीमली गुड. सो या दिस इज ऑल अबाउट इट. आई होप कि आप लोगों को वीडियोज अच्छी लगी होंगी. और टीचिंग वीडियोज, ऑनलाइन टीचिंग, मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी लगे कि वीडियोज आपको चाहिए, कैसे स्टार्ट करते हैं, 0 रुपीज से कैसे स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हो. थैंक यू सो मच. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड सी यू बाय द नेक्स्ट वीडियो. बाय गाइज.